हेलो दोस्तों, आप वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर हमारे आज की वीडियो का टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। वेल तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ और नॉट सो पॉपुलर बट माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल मूवीज की, जो कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी देखने मिलेंगी। इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर दो वीडियोज ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर अभी तक वो दोनों वीडियोज नहीं देखी तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा। आप इस वीडियो के साथ उन दोनों वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हैं, वो सभी मूवीज भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। बाकी अगर आप इन मूवीज को देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जहां से आप इन सभी मूवीज को प्लेट ऐप के थ्रू ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं, या अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप के मेंबर हैं तो इन सभी मूवीज को डायरेक्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एंड विद ऑल दैट सेड, चलिए हमारा आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट को शुरुआत करते हैं साल 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी के साथ, जिसका टाइटल है ब्लैक वाटर अबिस। इस मूवी का भी पिछले मंथ ही हिंदी ऑडियो के साथ रिलीज किया गया है, जिसे आईएमडीबी पर 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और ये मूवी सीक्वल है 2007 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक सर्वाइवल मूवी ब्लैक वाटर का। इस मूवी में हम कहानी देखेंगे कुछ फ्रेंड्स की, जो कि एक पॉपुलर केव को एक्सप्लोर करने जाते हैं, पर उसी टाइम वहाँ काफी तेज बारिश की वजह से वो पूरा एरिया पानी से भर जाता है, और साथ ही वहाँ मौजूद एक नजदीकी तालाब से उस पानी में आ जाते हैं कुछ खूंखार क्रोकोडाइल्स। अब कैसे ये फ्रेंड सर्कल इस दलदली पानी से बाहर निकलता है, और निकल भी गया तो कैसे इन खूंखार मॉन्स्टर्स से बचता है, ये सब डिटेल्स आपको इस मूवी में देखने मिलेंगी। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है इसी साल रिलीज हुई एक और कमाल की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी टिल डेथ। इस मूवी को भी अभी हाल फिलहाल में ही हिंदी डब करके रिलीज किया गया है, जिसमें आपको मेगन फॉक्स लीड रोल में नजर आएंगी। मूवी को आईएमडीबी पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और इसमें आप स्टोरी देखते हैं एमा नाम की एक लड़की की, जो कि एक काफी अनहैप्पी मैरिज का पार्ट होती है। अपनी मैरिज को लास्ट चांस देने के लिए एमा अपने हस्बैंड के साथ एक लेक हाउस जाती है, लेकिन अगले ही दिन वो खुद को अपने हस्बैंड की डेड बॉडी से हैंडकफ्ड पाती है। इतना ही नहीं, उसे भी मारने के लिए दो किलर्स उस घर में आने वाले हैं, जिनके साथ एमा का कुछ डार्क हिस्ट्री भी है। अब कैसे एमा एक डेड बॉडी से हैंडकफ्ड होते हुए भी उन किलर से सर्वाइव करती है, ये सारी डिटेल्स देखकर आपको ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आएगी। लिस्ट में नंबर 8 पर है 2021 में ही रिलीज हुई एक और सर्वाइवल मूवी बिलो जीरो, जो कि सर्वाइवल मूवी होने के साथ साथ एक एक्शन थ्रिलर मूवी भी है। इस मूवी का आईएमडीबी पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और ये मूवी ऑफिशियली हिंदी डब तो नहीं हुई, बट आप इसे हिंदी फैन डब के साथ जरूर देख सकते हैं। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक पुलिस ऑफिसर के अराउंड, जो कि कुछ क्रिमिनल्स के साथ जेल शिफ्टिंग के लिए एक वैन में ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन रास्ते के बीच में ही उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सारे क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं, एंड वो अब इस ऑफिसर को मारकर खुद को पूरी तरह फ्री करना चाहते हैं। नाउ कैसे वो पुलिस ऑफिसर इन सब ऑड कंडीशंस के होते हुए सर्वाइव करता है, ये सारी डिटेल्स ये मूवी आपको दिखाएगी। लेकिन ये सब उस ऑफिसर के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इन क्रिमिनल से पहले ही उस एरिया का ब्लडी कोल्ड एंड मौसम है, जो उसकी जान ले सकता है। बाकी आप खुद मूवी देखकर बताना कि आपको ये मूवी कैसे लगी। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर भी एक और स्पेनिश मूवी है, जिसका टाइटल है द प्लेटफॉर्म। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल साइंस फिक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है, जिसे रिलीज किया गया था साल 2019 में, एंड बिना किसी शक के स्पेनिश सिनेमा के हिस्ट्री में बनी अब तक की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी भी है। इस मूवी का आईएमडीबी पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी ऑफिशियली हिंदी डब तो नहीं हुई, बट आप इसे भी हिंदी फैन डब के साथ देख सकते हैं। बेसिकली मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा फ्लोर्स कंटेन करने वाली बिल्डिंग, या फिर कहना चाहिए जेल और एक प्लेटफॉर्म के अराउंड रिवॉल्व करती है। मूवी में होता क्या है कि उस जेल के टॉप मोस्ट फ्लोर से तरह तरह के खाने से भरा एक प्लेटफॉर्म फ्लोर बाय फ्लोर करके ग्राउंड फ्लोर की साइड भेजा जाता है, जो कि हर फ्लोर पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता है, एंड इन्हीं 2 मिनट्स के अंदर उस फ्लोर पर मौजूद 2 कैदी जितना हो सके खा सकते हैं, जिसकी वजह से नीचे लेवल के फ्लोर्स के कैदी भूखे ही रह जाते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पूरे दिन में बस एक ही बार ऐसे ट्रैवल करता है। अब इन बॉटम लेवल के कैदी भुखमरी में कैसे सर्वाइव करते हैं और खुद को जिंदा रखने के लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाते हैं, मूवी में देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिस्ट में नंबर 6 पर है 1993 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है अलाइव। इस मूवी का आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, साथ ही ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं यूएस रग्बी टीम की, जिनकी फ्लाइट का एक टूर्नामेंट के लिए जाते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, और वो क्रैश लैंड कर जाती है एक बर्फीली पहाड़ी पर। नाउ उस पहाड़ी पर मौजूद ठंडे मौसम की वजह से एक एक कर उस टीम के मेंबर्स मरना शुरू हो जाते हैं, और अब बाकी बचे मेंबर्स कैसे इस ठंड का तोड़ निकालते हैं और किसी भी तरह की मदद आने तक कैसे वो खुद को सर्वाइव रखते हैं, ये सब आपको इस कमाल की विंटेज मूवी में देखने मिलेगा। अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है, तो अब तो इस मूवी को देखने में आपको बहुत मजा आएगा। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है 2016 में रिलीज हुई एक और साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी, जिसका टाइटल है 10 क्लोवरफील्ड लेन।
इस मूवी का IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और साथ ही ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं पोस्ट एपोकैलिप्टिक टाइम की, जहां अर्थ पर कुछ एलियंस के आने की वजह से सब बचे कुछ इंसान अब जमीन के अंदर बंकर्स बनाकर रह रहे होते हैं। एंड इसी केओस के बीच होवर्ड नाम का एक शख्स मिशेल नाम की एक लड़की की जान बचाकर उसे अपने बंकर में पनाह देता है। लेकिन टाइम के साथ मिशेल को पता चलता है कि उस बंकर में होवर्ड कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है एंड वह अब उस बंकर से कैसे भी कर भागना चाहती है। और अब बस कैसे मिशेल इस बंकर से जीते जी निकलती है और बाहरी दुनिया का सच पता लगाती है, इसी डिटेल देखकर आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लिस्ट में नंबर 4 पर है 2014 में रिलीज हुई वॉर ड्रामा मूवी अनब्रोकन। इस मूवी को भी IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। साथ ही इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ देख सकते हैं। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की हमें एक कहानी दिखाती है। और अगर आप एक सर्वाइवल मूवी के अंदर दो सर्वाइवल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मूवी में हम कहानी देखते हैं 3 US ओलंपिक एथलीट्स की, जिनकी फ्लाइट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक समुंदर में क्रैश कर जाती है और अब इन्हें उस विशाल समुंदर से बिना किसी रिसोर्सेज के सर्वाइव करके निकलना होता है। अब जैसे तैसे करके वो समुंदर से तो निकल आते हैं, लेकिन वो हाथ लग जाते हैं उस जंग की अपोजिट जापान आर्मी के, जहां इन्हें अब की बार आर्मी प्रिजनर्स के तौर पर बंदी बना लिया जाता है। और यहां से इस मूवी की सेकंड सर्वाइवल स्टोरी भी शुरू होती है। ये दोनों ही सर्वाइवल पड़ाव इन एथलीट्स के लिए काफी ज्यादा डेडली बन जाते हैं। ये मूवी सर्वाइवल जॉनर में बनी एक काफी अमेजिंग मूवी है, जिसे देखते वक्त आपको गूज़बम्प्स आना तो होते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर है पॉल वॉकर स्टार ट्रेक फैमिली एडवेंचर मूवी 8 बिलो। इस मूवी को साल 2006 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और साथ ही ये मूवी भी हिंदी ऑडियो के साथ अवेलेबल है। मूवी में हम कहानी देखते हैं जेरी नाम के एक गवर्नमेंट वर्कर की, जो कि एंटार्क्टिक जैसी बर्फीली कंट्री में अपने बेस पर अपने कुछ पेट डॉग्स के साथ काम करता है। लेकिन एक दिन खतरनाक तूफान के आने की वजह से उसे वो बेस छोड़कर जाना पड़ता है और इस बीच उसके पेट डॉग्स किसी वजह से मरने के लिए वहीं छोड़ दिए जाते हैं, जो कि जेरी की मर्जी के अगेंस्ट होता है। अब कैसे जेरी वापस उस बर्फीले तूफान के होते हुए अपने बेस वापस जाता है अपने पेट्स को अपने साथ लेने, और कैसे सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं वहां से बचकर निकलने में, लिटरली वो सब देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस मूवी में दिखाया गया सर्वाइवल शोडाउन एक अलग ही एक्सट्रीम लेवल पर है, जिसे आपको जरूर से देखना चाहिए। लिस्ट में नंबर 2 पर है मार्क वॉलबर्ग स्टारर एक वॉर एक्शन सर्वाइवल मूवी लोन सर्वाइवर। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं मार्कस लुटरल और इसके 3 साथी नेवी सोल्जर की, जिन्हें तालिबान के एक लीडर अहमद शाह को मारने के लिए अफगानिस्तान भेजा जाता है। नाउ मिशन के दौरान कुछ ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं जहां ये शिकारी खुद वहां के ग्रुप के शिकार बन जाते हैं एंड उस पराए मुल्क में हर तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बाद आखिर वो कैसे खुद को वहां से जिंदा निकालते हैं, इन सभी डिटेल्स के अराउंड ये मूवी एक्सप्लोर करेगी। मूवी की स्टोरी से लेकर इसकी फाइट्स, इसकी वॉर, सब कुछ काफी हाई लेवल पर है, जिन्हें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। एनेट लास्ट हमारे लिस्ट की फाइनल मूवी साल 2007 में रिलीज हुई एक सच्ची घटना पर आधारित बायोपिक सर्वाइवल फिल्म इनटू द वाइल्ड। इस मूवी का IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, साथ ही हिंदी में भी आपको देखने मिल जाती है। और जो लोग भी एक ड्रामेटिकल सर्वाइवल स्टोरी देखना चाहते हैं वो इसे बेशक ट्राई कर सकते हैं। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं क्रिस्टोफर नाम के कॉलेज स्टूडेंट की, जो कि कुछ सर्वाइवल पर बेस्ड बुक्स पढ़कर जंगल को लेकर काफी ज्यादा पजेसिव हो जाता है एंड इसलिए वो बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर जंगलों में सर्वाइव करने के लिए निकल पड़ता है। जब रास्ते में उसे काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिन्हें फेस करने के बाद वो क्रिस्टोफर को एक बिल्कुल अलग इंसान बना देते हैं। बाकी ये मूवी काफी स्लो पेस से चलती है, लेकिन इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको काफी सेटिस्फाइंग लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी आज की लिस्ट पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमसे कोई डिजर्विंग मूवीज के लिए मिस हो गए हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ इन मूवीज को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग न्यूज और न्यू मूवीज के साथ। टिल देन टेक केयर, ओवर एंड आउट।